हाँ भाई, आपके भाई का वोट लग गया, आपके भाई ने वोट दे दिया, अब बाहर जा रहा हूँ। खैर, पीटीआई है तो आई आई पीटीआई, और जुलम का बदला वोट से पीपीपी। जी बट्टू, कल भी बट्टू जिंदा था, आज भी बट्टू जिंदा है। आहा, गड़ 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 गड़। यहाँ पे पीके पोर और एमएलटू दोनों पीटीआई वाले जीत गए। गड़ गड़ माशाल्लाह। चावा लगा भाई, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो यार, फाइनली वो दिन आ गया है जिसका मुझे भी इंतजार था और बहुत सारे लोगों को इंतजार था। पूछा मैंने कुछ, रिजल्ट तो खैर शाम को आएगा रात को, लेकिन वोट डालने का दिन आ गया है। आज इलेक्शन है 8 फरवरी 2024 पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन है, आम इंतखाबात जिसे कहते हैं। तो खैर, मैं जा रहा हूँ वोट डालने, लेकिन आप सबका वेलकम हो गया है तनवीर के एक ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो खैर, मेरे साथ जाएगा मंसूर, मैं और मंसूर बाइक पर जाएंगे, पैदल जा रहे थे, लेकिन खैर भी फिर सोचा अगर वहाँ पर रश होगा तो फिर हम वापस आएंगे और फिर जाएंगे, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना बाइक पे चला जाए और वोट डालकर वापस आया जाए। बॉय, तो खैर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने वोट किसको दिया है, लेकिन अभी नहीं, बाद में इंशाल्लाह। ओके, तो हमारी बाइक स्टार्ट हो गई है, अब हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि स्कूल में हमारा क्या है वोट वहाँ पे है। तो खैर वहाँ पे जाते हैं। मंसूर का वोट है? मंसूर का वोट नहीं है, लिहाजा मैं अकेले जाऊंगा और वोट डालूंगा और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यार, आपका भाई पहुंच गया यहाँ पे, तो बड़ा रश लगा हुआ है यहाँ पे, तो मैं खैर इन लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करता जाऊंगा। पूछा मैंने कुछ, पीटीआईपी का तो मुझे नहीं पता कि इनका स्लोगन क्या है। खैर, पीटीआई है तो आई आई पीटीआई, और जुलम का बदला वोट से पीपीपी। जी बट्टू, कल भी बट्टू जिंदा था, आज भी बट्टू जिंदा है। आहा, गड़ 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 गड़। और इसके बाद अमीर मुकाम है, तो कौन आया शेर आया, वोट की इज्जत दो। और इसके बाद इस दूसरी पार्टी का भी नहीं पता, जेयूआई है, तो खुदा की ज़मीन पर खुदा का निज़ाम। और जमात इस्लामी तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन जमात इस्लामी का है हाल सिर्फ जमात इस्लामी, वो खैर जमात इस्लामी वाली यहाँ पे नहीं है। तो छुड़ी, मैं आप लोगों को बताता चलो, आपका कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे खड़ा नहीं है, और अगर खड़ा है तो उनकी कोई भी स्टेकर और पोस्टर वगैरह यहाँ पे नहीं है। खैर, ये बहुत सारे लोग हैं, और ये है पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी जो नई नई बनी है, खुशहाल काकड़ ने बनाई है, उस्मान काकड़ का जो बेटा है। तो खैर ये अच्छा है, वहाँ पे मुझे एक स्टेकर एनएटू वाला मोहम्मद अयूब खान का दिखा, वो है एनपी का। तो खैर एनपी वाले ने यहाँ पे इत्तेहाद किया हुआ है दूसरे पार्टी के साथ, पार्लियामेंटेरियन के साथ, तो पीके के लिए उनका कोई उम्मीदवार नहीं है, एनए के लिए अयूब खान है। तो खैर वो भी अच्छे हैं, लाटेन का क्या स्लोगन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन खैर वो भी अच्छे लोग हैं। 12 seconds later. हाँ भाई, आपके भाई का वोट लग गया, आपके भाई ने वोट दे दिया, अब बाहर जा रहा हूँ। वो लोग सोच रहे थे यार, बाहर पुलिस खड़े थी ना, तो खैर रूल्स तो तोड़नी नहीं चाहिए, वो कह रहे थे कि यार मोबाइल दे दो, तो आपके भाई ने एक मोबाइल दे दिया, आपके भाई के पास दूसरा था, तो मैं लॉग अंदर इस दिन आप बना रहा हूँ। खैर कभी कभी ऐसे रूल्स तोड़ने पड़ते हैं, इलीगल काम करना पड़ता है। तो खैर आपके भाई ने वोट दे दिया, अंदर वाला जी जगह मैंने एक्सपोज नहीं किया, यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई, माशाल्लाह बड़ी हरियाली लगी हुई। लेकिन यार एक बात आप लोगों को बता रहा चलो, पोलिंग स्टेशन में बिल्कुल भी रश नहीं था यार। इससे पहले जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ करते थे, लोकल हमने वोट दिए थे ना उसमें, तो खैर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, तो हम लाइन में खड़े थे, लेकिन सलामकुमाना खे है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं था। पता नहीं 2-3 लोग थे, वोट डाल दिया, बिल्कुल जल्दी काम हो गया। पता नहीं यार, तो लोग वोट नहीं दे रहे, प्लीज़ वोट दे दो यार, वोट देना आपका हक है। अच्छा, हमको सिखा रिया है, उड़ो तो ऐसा कहो, कम ऑन पार्टी सपोर्ट कहो, सही था सही था। हाँ, पीटीआई तो सो कॉल नो ताको टोपे दे, पीटीआई पी पसर कर ला, हाँ हाँ सपोर्ट के बल पार्टी। जी भाई,
absolutely not. गटाई बा चाल दी उठ मार को गड मा मार कर रे चल झूठा आ हा हा सहारे वजह है खैर यार रश बहुत लगा हुआ है बस रिजल्ट का पता चलेगा जो भी जीत गया मैंने उसको वोट दिया होगा किसका खत्म आप कहां थे ज्ञानी बाबा जी भाई तो आपका भाई वोट देकर आया और मैंने शायद कौन है मेरी मलगलरा ये है मेरी मलगलरा क्यूट सी मलगलरा और ये लोग क्या कर रहे था सको भाई चरता बाहर तो उड़ाई बोली हाँ मंसूर इनको कह रहा है यार मलगलरा खुद खुद ही नहीं देता कुनोल करने जाली तो बोली जाली तो खैर ये लोग जा रहे हैं पंजरे को बाहर वहां पे रख रहे हैं खैर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये लोग वहां पे क्या कर रहे हैं चलो 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 मंसूर हमें बताओ ये क्या कर रहे हो तुम ये मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है हाँ मैंने इसके साथ शेयर किए लोगों के साथ जी तो उधर जो बच्चा था हमारे साथ हाँ वो तो दो थे एक मर गया था वो मर गया न्यूज मिल गए थे हाँ वो मर गया था तो उसको मैंने जुदा किया है हाँ? उसकी माँ से माँ उसकी ऊपर है छत पर हाँ? और वो इधर अकेले था हाँ? तो इधर ये मुर्गे बड़े हैं इसको मारते हैं हाँ, तो तुम इस पंजरे में रखोगे बंद रखेंगे इधर क्यों हाँ? उसको मारे भी नहीं और सर्दी से भी बच जाएगा तो ये अच्छा है तो किधर है वो बच्चा वो किधर है वो बच्चा ये यहाँ पे हेलो नाम खपा दे यार दावली तो खैर इसको लेकर यहाँ पे रखेंगे तो बस यही था आप लोगों के साथ शेयर करना था और ये हमारा मुर्गा है लेकिन ये बहुत बेकार मुर्गा है सारा दिन ये बाहर घूमता रहता है अपनी औरतों को यहाँ पे छोड़कर ये अकेला इनको छोड़ता है और बाहर घूमता रहता है ये बड़ी अच्छी बात नहीं है बहुत बुरी बात है यार अब कुछ अकल सीखो अकल ये मंसूर से कुछ सीखो ये औरतों के बीच में बैठा रहता है इससे कुछ सीखो आपके भाई ने ईशा की नमाज पढ़ ली और बाहर निकला तो खैर पाकिस्तान में सिग्नल तो काम अभी नहीं कर रहे लेकिन जितनी भी गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे पहुंचे हैं अभी तक तो उस सब में पीटीआई पहले नंबर पे है सब इंडिपेंडेंट है लेकिन बस पीटीआई के सपोर्टर जो है वो सब आगे है ये भी एक जुलूस आ रहा है लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस भी अपने उस क्या कहते हैं हथौड़ों सॉरी लौड़ों के साथ अरे कहना क्या चाहते हो पता नहीं डंडों के साथ यहाँ पे कड़े हैं इन लोगों के साथ भी डंडे हैं तो खैर पीटीआई वाले जीत गए हैं और ये सब आ रहे हैं माशाल्लाह गुड 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 यहाँ पे पीके पोर और एमएलटू दोनों पीटीआई वाले जीत गए हैं गुड गुड माशाल्लाह चाओ लगाओ तो खैर रास्ता खोलो पुलिस अपना काम कर रही है और ये लोग अपना काम कर रहे हैं और आपका भाई अपना काम कर रहे हैं व्लॉग बना रहा है बोलो तस मुठ पर खड़े थे सही है सही है गुड भाई अस्सलामुअलैकुम तो खैर यहाँ पे बस लगा हुआ एक जुलूस यहाँ से जा रहा है दूसरा वहाँ से आ रहे पुलिस से मैंने पूछा कि आप लोग क्यों कह रहे थे हालात ख़राब हो सकते हैं इस वजह से वो लोग भी बाहर निकले लेकिन आपके भाई ने कीनू लेने हैं यार कीनू का बहुत दिल कर रहा है पहले दोपहर को मैंने कहा था जी सने हाँ सने तो खैर दोपहर को मैंने कहे थे लेकिन अभी लेने हैं वो क्या कहते हैं दुनिया पसकीदाओ जपसकीना तो खैर बस पीटीआई यहाँ पे जीत चुकी है बाकी सरकारी और हतमी नतीजे तो अभी आने हैं लेकिन बस ये फाइनल है कि पीटीआई यहाँ पे जीत चुकी है अली शाह खान एडवोकेट भी कैपूर के लिए खड़ा हुआ था और डॉक्टर अमजद अली खान NA2 के लिए खड़ा हुआ था बाकी आप लोग भी मुझे बताओ जो लोग ये लॉग देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं कल अपलोड करूँगा लेकिन आप लोगों ने मुझे बताने हैं कि आप लोगों के इलाके में कौन कौन जीता है और किस किस ने कितने वोट लिए हैं खैर इंशाल्लाह मैं कल यहीं पर आप लोगों से मुलाकात होगी लिहाजा इस लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे बेल के आइकन को ज़रूर दबा दे वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें हाँ दबा रहिए अल्लाह हाफिज़ तो खैर लॉग तो मैंने ख़त्म किया लेकिन मुझे यहाँ पे कीनू मिले तो आपका भाई यहाँ से कीनू लेगा और बाकी ये लोग अपनी खुशी मना रहे हैं पीटीआई जीत गई यहाँ पे
तो खैर बाद में बात होती है, लिहाजा अब आपका भाई कीनू लेकर यहाँ से जाएगा घर।